नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉक में। आज की यात्रा हमारी नेपाल देश के त्रिवेणी धाम की है। त्रिवेणी नाम से सभी के जहन में यह शब्द उपजता होगा कि त्रिवेणी नाम आखिर क्यों पड़ा है। त्रिवेणी नाम होता है तीन नदियों के संगम से। तो चूंकि आपको यहाँ दिखाई देता होगा एक ही धारा, लेकिन यहाँ पर तीन नदियों का संगम है जहाँ पर कि भव्य मेला और स्नान लगता है। तो लोग यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं और अपने पुण्य को प्राप्त करते हैं। यूँ तो हमारे देश में त्रिवेणी कई हैं, जैसे कि इलाहाबाद संगम है, प्रयागराज जिसको कहते हैं, उसके बाद में हरिद्वार में भी त्रिवेणी है और यह नेपाल की त्रिवेणी है जहाँ पर कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं। और यही वो घाट है जहाँ पर कि भव्य मेले का आयोजन लगता है, लेकिन इस समय मेले का आयोजन नहीं है। इस समय यहाँ पर मेला नहीं लगता है। तो कब कब यहाँ पर मेला लगता है और कब कब श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ अधिक से अधिक बढ़ती है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं त्रिवेणी धाम और यहाँ की नई नई जानकारी जो कि आज तक आपको नहीं पता होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और यहाँ के जो महंत हैं उनसे वार्ता कराएंगे और इस धाम के महत्ता के बारे में उनसे पूछेंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। अब त्रिवेणी धाम में बैठे हुए हैं और यहाँ के महात्मा जी पूजनी जिनके आशीर्वाद से हम लोग भी चले आए हैं यहाँ पर, और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इस धाम के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं महात्मा जी से। तो महात्मा जी अपना पहले सब तो नाम बताइए। रामचंद्र दास त्रिवेणी जी को मेन शिवाला को पुजारी है। अच्छा, तो त्रिवेणी आश्रम को पुजारी। त्रिवेणी जी की महत्वता, मान लीजिए तीन नदियों का संगम यहाँ पर है, तो कौन कौन सी वह तीन नदियाँ हैं जो यहाँ पर संगम होता है? तमसा, सोनभद्र की नरेनी, इसमें तो हजार उग मिला है, बाकी यहाँ पर तीन गंगा को मिलन हुआ है। ओकरे बाद लौकुश को की लड़ाई हुआ, लौकुश को यहाँ पर लोग घोड़ा बांध दिए लोग, अयोध्यापुरी से यहाँ पर राम के लक्ष्मण और जितना सेना दल थे। अच्छा, जब अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे श्री राम जी, तो उस समय वह घोड़ा घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो उसको पकड़ करके लौ और कुछ ने बांधा था। उसके बाद यहाँ पर युद्ध हुआ। हाँ, तभी वहाँ से राम और पूरे पार्टी लेकर यापाना सेना दल यहाँ पर तीन दिन लोग के पड़ाव गिराए थे। अच्छा, यही से लड़ाई हो रहा था कि तुम जाओ कह दो घोड़ा छोड़ दे। अच्छा, वो बच्चा लोग कहे कि नहीं, हमसे है कि युद्ध करो, जीत कर के ले जाओ। अच्छा, तो लोग बोले नहीं, बच्चा से हम लोग नहीं लड़ेंगे, घोड़ा छोड़ दो। बोले नहीं, तुम कायर हो, लड़ नहीं रहे हो। सबको ऐसे पारा पारी सबको भगवान क्यों भेजते? वो लोग के बल के वो लोग को घमंड था, हमसे बली कौन है। सभी योद्धाओं को अपने अपने बल पर गर्व बहुत ज्यादा था, तो उन सभी के घमंड को चूर करने के लिए भगवान की यह माया थी, एक रची हुई लीला थी, इसीलिए वह सभी को यहाँ पर भेजे हैं कि जाके अपने अपने बल का पराक्रम दिखाइए और कौन जीतता है कौन हारता है। बच्चे से नहीं कि जीत रहे। हाँ, कि एक बच्चे से नहीं जीत। ये बताइए कि इस धाम में मतलब मेला का आयोजन और भव्य मतलब नहान का आयोजन किस किस समय पर होता है? माघ में, सावन में एक महीना। तो सावन श्रावण मास में कावड़ियों का मेला हमेशा पूरा मास रहता है, एक महीना। उसके अतिरिक्त और किस किस दिन को यहाँ पर भव्य नहान का आयोजन होता है? यहाँ पर तो किस माह की पूर्णिमा को पांच बस डेली आता है। कहे से कि धर्म स्थल वो तो मान लीजिए बाकी जेठ में माघ में चैत बरनी का नी और फेनो
फागुन में तेरस का, फागुन में तेरस का महाशिवरात्रि जो पड़ता है तेरस का। तो यहाँ के महत्व और कुछ हो तो बताइए बाबा जी यहाँ के बारे में त्रिवेणी के। अब यहाँ के एक है, यहाँ पर जो कोई पागल आता है ना, हाँ जी, ठीक होकर जाता है। आपने एरिया से जो कोई पागल है 3 महीना छोड़ दीजिए, हाँ, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ की इतनी महत्व है, शक्ति है। हम लोग पागल लोग के गंगा जी में डेली स्नान कराते हैं, आश्रम से भोजन आन कर खिलाते हैं, पाओ कि नहीं पाओगे तो नहीं रहने देंगे, ठीक हो जाता है। लोग अपनी कहते हैं लोग कि बाबा अब हम अपने इलाका, मतलब जो भी मंद बुद्धि यहाँ पर आ जाता है उसकी सारी व्यवस्था मंदिर प्रांगण में ही रहता है कि उसका स्नान ध्यान कराना, उसको भोजन कराना, उसका देखभाल करना, और उसके बाद 3 महीने 4 महीने में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, उसके बाद अपने गंतव्य को चला जाता है। We'll be right back.